3.3। इस एक्सरसाइज में आपको सब्ट्रैक्ट माइनस करना सिखाया गया है डायरेक्टेड नंबर्स को। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी रिवीजन है सर। नंबर 1 पार्ट 1 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। प्लस 5 और प्लस 9 इट्स वेरी इजी। प्लस 14 आप प्लस लिखें या लिखें, लेकिन इट्स ऑल द सेम। और -9 प्लस 5 यहां क्या होगा? अब हमने आपको बताया है कि दोनों में से जो बड़े टर्म है उसका साइन आएगा, और बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। और जब दोनों माइनस की हो तो आप साइन माइनस का लगाएंगे, सिंबल अलामत माइनस की आएगी, क्योंकि दोनों माइनस की हैं। और करेंगे क्या, दोनों को प्लस कर देंगे। अब आप ये देखिए, ये प्लस 5 और प्लस 9 है, आंसर प्लस 14 आ। और यहां क्या है, -9 और -5, आंसर क्या है, -14। अब ये और ये आंसर एक नहीं है, ये प्लस 14 है, यानी 0 से 14 ज्यादा, अबव ग्रेटर ऊपर। और ये -14 है, यानी 0 से 14 लेस, स्मॉलर छोटा नीचे। अब आपको समझ में आई कि 0 से भी कम चीजें होती हैं, लेकिन उनके साथ माइनस लगाया जाता। ओके, तो ये हम आपको एक नई चीज सिखा रहे हैं। देखिए ये क्या है, -8 -12। अब आप पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि दिस इज -8 एंड नॉट 8, एंड दिस इज +12। अब इन दोनों टर्म्स को हमने माइनस करना है, इस टर्म में से ये टर्म हमने माइनस करनी है। ठीक, तो चलिए देखिए, -8 प्लस 12, और यहां आप लिख दीजिए कि हमने माइनस करना है। तो माइनस करने का आसान सा तरीका है कि जो लोअर टर्म है, जो नीचे टर्म लिखी हुई है, उसका साइन आप चेंज कर दीजिए, उल्टा कर। अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ये देखिए, ये प्लस है ना, तो हम इसको माइनस कर। और आप इसको भूल जाइए, और जो आपने चेंज करके जो साइन लगाया है इसके साथ ऑपरेशन, अब ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब जब आपने नीचे वाले टर्म का साइन चेंज कर दिया, आप समझिए कि आपने माइनस कर दिया है, अब आप इसको प्लस वाला ऑपरेशन कर दीजिए, प्लस वाला काम। प्लस वाला काम क्या है, 8 एंड 12 20। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, 20 कैसे होंगे, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, लिहाजा यहां माइनस। समझ गया आप? ये आ गया, हमने करना क्या है, माइनस। तो हमने आपको बताया था, अब हम क्या करेंगे, इस लोअर टर्म को चेंज कर, माइनस से हमने इसको प्लस कर। अब हम इस माइनस को भूल जाएंगे,
और प्लस वाला ऑपरेशन कर देंगे, प्लस वाला काम कर देंगे, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, माइनस था अब हमने चेंज करके प्लस कर दिया। चेंज क्यों किया? क्योंकि हमने माइनस किया करना था, और माइनस करने के लिए क्या करना होता है, नीचे वाली टर्म की साइन को उल्टा कर देना होता है, चेंज कर देना होता है, प्लस हो तो माइनस कर देना होता है, माइनस हो तो प्लस कर देना होता है। अब दोनों के साथ प्लस हो गया, 9 and 3 12, 1 कैरी किया, 1 and 1 2 2 and 1 3, अब ये 32 कैसा होगा, प्लस माइनस प्लस 250, ये देखिए माइनस 300 प्लस 250, और करना क्या है हमने, माइनस, और माइनस करने के लिए ये देखिए इसका साइन हम चेंज कर देंगे, और साइन चेंज करने के बाद आप प्लस वाला ऑपरेशन कर दीजिए, आप यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस आएगा, और इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये लीजिए ये आंसर आ गया, इसका पार्ट 6 कर रहे हैं। साइन चेंज कर, और अब क्या करेंगे, अब देखिए दोनों में से विच वन इज ग्रेटर, अब आप साइन को छोड़ दीजिए, इनको देख लीजिए, तो 305 इज ग्रेटर, ये बड़ी रकम है, लिहाजा आप इसका साइन लगाए, और इसमें से ये माइनस करेंगे, अगर ये नीचे है और ये ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद आप इसमें से ये माइनस करेंगे, से आपका तारुफ करवा रहे हैं, दिस इज द साइन फॉर ग्रेटर, and this sign is for small. जी, great. Small. समझ गए आप? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? Plus 9 is greater than plus 6. तो ये एक ये टर्म इज करेक्ट, आप इसको ट्रू कर दीजिए, ट्रू और फॉल्स बताना। आगे माइनस 6 इज ग्रेटर देन माइनस 5, और माइनस 6 इज नॉट ग्रेटर, ये फॉल्स हो जाएगा। -3 is greater than +3. No, false. -12 is less than 0. -12 is less than 0. This is correct. This is true. कैसे? This is not 12, this is minus 12. Minus 12 means less than 12. कितना less है? 12 less.
दिस इज ट्रू। माइनस 11 इज लेस देन माइनस 9। जी हां, माइनस 11 माइनस 9 से लेस है। जितना आप जीरो से ज्यादा नीचे जाएंगे उतना लेस होंगे। दिस इज ट्रू। माइनस 3 इज लेस देन माइनस 6। ये फॉल्स है क्योंकि माइनस 3 इज ग्रेटर। दिस इज फॉल्स। और आप जानते हैं कि क्योंकि माइनस के साइन के साथ जो भी नंबर होगा वो जीरो से कम होगा, लिहाजा जीरो इज लेस, आई एम सॉरी, जीरो इज ग्रेटर देन माइनस। माइनस 9, अभी बताइए कि इन दोनों में से विच वन इज ग्रेटर। माइनस 9 माइनस 1 से स्मॉलर है या ग्रेटर, छोटा है या बड़ा? माइनस 9 इज स्मॉलर, ये 0 से 9 कम है, जबकि ये 1 कम है, लिहाजा यहां क्या आएगा? स्मॉलर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। डिसेंड मीन्स गोइंग डाउन। तो पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर वहां से नीचे की तरफ आएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर हम उससे छोटा लिखेंगे। इनमें द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4। फोर से छोटा इसमें कौन सा है? आप देखिए, इज जीरो। इससे छोटा इज माइनस 2। इससे छोटा इज माइनस 4। देन माइनस 5 और इन द एंड इज माइनस 30। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। पहले द ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और अगर इसी ऑर्डर को आप असेंडिंग में कर दें कि सबसे छोटा पहले आए, फिर यहां से आगे